चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग। आज के इस वर्चुअल मीटिंग में भाग ले रहे हमारे सभी साथी जो आज पहली बार आए हैं या जो हमारे पहले से जुड़े हुए मित्र हैं, सभी को सादर अभिवादन, जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, जैसे कि हम लोग रूटीन पर डे डेली भी मीटिंग करते हैं और एक ही बात आती है कि कॉन्सेप्ट सुनने के लिए मित्रों से इंतजार करने के लिए कहा जाता है। कॉन्सेप्ट अंग्रेजी शब्द है। अगर हम आप इसको यूं समझें कि हमारी अवधारणा या हमारा संकल्प या हमारा थ्योरी, हम समण संघ है, विद द पीपल जो आइकन है समण संघ का, आखिर इसके तहत ही हम आपको जोड़ने और जोड़ने का आह्वान करते हैं, तो इसका कारण क्या है? आज की टॉपिक भी जो है संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन या कर्मचारियों के संगठन, इन संगठनों को हम देखते हैं, तो आज पर विशेष रूप से हमारा ध्यान इन संगठनों पर ही होगा कि हमारे आप बीच में, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं जो हमारे धार्मिक संगठनों से जुड़े बंते जी हैं, हमारे राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो हमारे साथी हैं या अन्य ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग जो आज हमारे इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी का अभिवादन करते हैं। मित्रों, संगठन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द था, ऑर्गेनाइजेशन कहें, और मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा कि 1975 में 16 साल की उम्र में संगठनों से जुड़ गया और जुड़ने के बाद बहुत नजदीक से हमने सामाजिक संगठन को भी देखा, राजनीतिक संगठन से दूरी रही, लेकिन फिलहाल उतना देखा हूं कि जैसे शादी नहीं हुई तो बारात तो गई ही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों में ज्यादा समय बिताया। ओ, इन संगठनों का उद्देश्य जब हमें होता है कि हम जुड़ेंगे, संगठित होंगे, क्यों? क्या अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने मान के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और जो हालात बने, अब एक एक की बात हम कर लें, हम कर्मचारी संगठन की पहले बात कर लें कि कर्मचारियों के संगठन जब होते थे, एक उदाहरण हमारे जो जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, जिसमें 12 लाख कर्मचारी जुड़े थे, शिक्षकों को मिला के 18 लाख, उस संगठन में काफी दिन काम किया हमने 25 साल, तो उसके जो अध्यक्ष थे सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी में राज्य सेक्रेटरी के अफसर थे, तो वो एक बात बताते थे अपनी बात में कि महाराष्ट्र में वहां के राज कर्मचारियों के संगठन के जो अध्यक्ष थे, एक मोमेंट पर उन्होंने कहा कि आप अपनी मांग पत्र को 15 पैसे के पोस्टकार्ड पर लिख के गवर्नमेंट को भेज दीजिए, और सारे साथियों ने उसको फॉलो किया, उसमें कोई उनकी ऊर्जा नहीं बर्बाद हुई, कहीं रैली नहीं करना पड़ा, कहीं लाठी चार्ज नहीं खाना पड़ा, हड़ताल प्रदर्शन नहीं करने पड़ा, और वो 15 पैसे का पोस्टकार्ड इतना काम किया कि राज्य सरकार ने बुला के नेतृत्व से वार्ता किया और उनकी समस्या का सॉल्व हो गया, हल निकल गया। तो वो क्या था, वो पोस्टकार्ड की दम नहीं थी, उस पोस्टकार्ड पर लिखे हुए संदेश भी नहीं थे, उसको भी सरकार ने पढ़ा, सरकार ने ये देखा कि इतने लाख कर्मचारियों में इतने पोस्टकार्ड आए, तो वो एकता प्रदर्शित हुई। लेकिन बाद में जब हम संगठनों में देखते रहे कि किस तरह से काम होते रहे, अंत में संगठनकर्ता जिनको हमने नेता बनाया, उन नेताओं ने क्या कर लिया, कर्मचारी संगठनों का मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ मित्रों, उन्होंने शासन सत्ता में चूंकि पहचान बनी कि ये फला कर्मचारियों के लीडर हैं, फला कर्मचारियों के लीडर हैं, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेक्रेटरिएट जहां भी उनकी पकड़ बनी वहां तक पहुंचे और उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का एक धंधा अपना लिया कि उनकी रिकमेंडेशन पर किसी के ट्रांसफर हो जाते या कि किसी के ट्रांसफर रुक जाते, तो वो लोग जो मनचाही पोस्ट पर रहना चाहते थे या हम उसको कह दें मलाईदार क्रीम पद पर रहना चाहते थे, वो नेताओं के संपर्क में आए, और संपर्क में आने का मतलब कि जो माया है वो माया सबको प्रभावित कर लेती है,
और उस तरह से उस एकता को, उस नेतृत्व को, उसको लेके गिरवी रख दिया। वो ऑफिसर जिसने देख लिया कि ये बाहर बाहें उठा करके इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलता है, ऐसा लगता है कि आज ही ये डिपार्टमेंट को ब्लॉक कर देगा, लेकिन उसकी ये औकात है कि 10-20 हजार रुपये लेकर के और फला कर्मचारी की एक सिफारिश करने आया है। मित्रों एक उदाहरण दे दे, चूंकि कॉन्सेप्ट में है तो हमारी बातें थोड़ा बाकी सैद्धांतिक बातें तो सुधीर राज सिंह और विद्वान साथी सब बताते हैं। मैं आज कर्मचारी संगठनों के एक नेता होने के नाते, या एक्स नेता कहिए आज भी है, नाते मैं ये बता रहा हूँ, ये एक छोटा सा उदाहरण के हमारे डिपार्टमेंट हमारे मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था और एक कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए माननीय विधायक छपरौली के थे और बहुत सज्जन, और वो पहुंच गए डायरेक्टर के कक्ष में, और मैं भी किसी संगठन के काम से ही गया था, क्योंकि मुझे स्टोनों ने रोक लिया कि विधायक जी अंदर है। विधायक जी ने कहा ये कर्मचारी मेरठ का रहने वाला है और इसको आपने बलिया ट्रांसफर कर दिया। डायरेक्टर हंसते हुए बोला सर मैं आज ही आपके सामने इसका ऑर्डर मेरठ में कर देता हूं। लेकिन वो कर्मचारी बाहर पर्दे के सामने खड़ा सुन रहा था, वो भाग के अंदर आया, नहीं 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 सर ठीक है विधायक जी हम बलिया में ही रह लेंगे। मतलब ये था कि जिस सेक्शन में वो काम कर रहा था, सॉयल कंजर्वेशन जो था हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक कमाऊ सेक्शन कहा जाता है, तो वो मेरठ में नहीं बल्कि बलिया में रहना पसंद करता। तो विधायक जी का छोटा सा मुंह हो गया बाहर निकल के। कहने का आशय ये है कि संगठनों को हम लोगों ने कभी भी ये नहीं समझा कि हम लोक सेवक हैं, हमें तनख्वाहें मिलती हैं, हम काम करना चाहिए, हमें आउटपुट वेतन का 5 गुना आउटपुट देना चाहिए, लेकिन हम निजीकरण कोरोना रोते रह गए कि निजीकरण हो रहा, निचीकरण हो रहा है, लेकिन हमारे लोक सेवक कर्मचारी जो थे ये नहीं देखे कि हमारा दायित्व तो क्या है। फाइलें वही उठाई जाती हैं जिसके लिए कोई या तो शासन तलब करे या कोई उसका कर्मचारी उससे संबंधित लोग आके कहें, तो वो वरना वो अलमारियों में पड़ी रहती है। तो ये तो कर्मचारी संगठनों की भूमिका की बात रही। अब धार्मिक संगठनों की बात देख लें, मुझे कहने में बनते लोगों से क्षमा चाहूंगा कि आज जिस पर इतना जोर दिया जा रहा है कि हम जुड़ेंगे कैसे, जुड़ने के लिए हमारे लिए कोई एक सूत्र क्या होगा, क्यों जिन दूसरे संघ की हम बात करते हैं उनके पास 33 करोड़ लोग थे जोड़ने के लिए, और धर्म भेरू समाज के लिए वो बड़ा आसान सा रास्ता है जोड़ने का कि उसको धर्म से जोड़ दिया जाए तो बल्टी जुड़ जाता है। लेकिन आज जिसको सुधीर राज सिंह बार बार कहते हैं कि बुद्ध क्या, बुद्धिज्म क्या है, बुद्ध क्या है, लाल सिंह जी कंसेप्ट बताते हैं, लेकिन हम नवो बुद्धाय कह के अपने को गौरवान्वित होते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं। इतनी बड़ी इसका कॉन्सेप्ट, जी इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पावर, जो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का धर्म है, आज भारत ने, हम गर्व से कहते हैं, हमारे शासक जाके विदेशों में कहते हैं कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, लेकिन हमने बुद्ध को नहीं दिया। वह कारण ये रहा कि हम भी उन्हीं जो जिसको हम मनुवाद कह लेते हैं या मनुस्मृति मानने वाले लोग कहते हैं, उसी तरफ हमने बुद्धिज्म को भी मोड़ दिया। ये धार्मिक संगठनों की हमारी जो हमारे जो कर्ता धर्ता जो लोग रहे उन्होंने ठीक ठीक जो अवधारणा है जो उससे जोड़ा नहीं, उसका कारण ये रहा कि हमारे लोग आज भी नमो बुद्धाय, जय भी हमारे जैसे लोग जो मैं कहता हूँ कि नमो बुद्धाय कह देते हैं, लेकिन जब बुद्ध के बारे में जानने का समझने का आपके बीच में आके मौका मिला है तब तो मैं भी समझ पाया हूँ इस 63 साल की उम्र में कि वास्तव में हमने बड़ी देर कर दी। तो मित्रों एक तो सामाजिक संगठनों की बात है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना आज हमारे राजनीतिक पार्टियों की है। राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में कही जाती हैं कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बाबा साहब ने हमें लोकतंत्र में संविधान दिया है और हमने अपना आइकन, अपना लीडर माना है संविधान को। संविधान में वो सारी व्यवस्था की गई, उन व्यवस्था के तहत ही हमें शासक चुनने का अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अधिकार मिला। लेकिन हमने 75 सालों में, कल हमने गणतंत्र दिवस 73वां मनाया है, आज तक हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पाए। उसका कारण क्या रहा कि हमने नेताओं पर
अपने नेतृत्व विश्वास किया, वो नेतृत्व जिसके बारे में साफ साफ लिखा है, कहा गया है कि वहां नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता, वो नेता सभी पार्टियों में जिस भी दलबल में हो उनके सबके एक ही चरित्र होते हैं, वो वहां पुल बनाने का वादा कर देते हैं जहां नदी नहीं होती, इतने इसे कड़वे शब्द कहे गए हैं, एक घटिया शब्द और कहा गया। हमारे विद्वानों ने कहा कि राजनीतिज्ञ और डायपर में केवल एक ही समानता है कि दोनों कब फेंक दिए जाते हैं। तो डायपर तक की बता दिया कि बच्चों के डायपर हम कब बदलते हैं, उस तरह राजनीतिक बदलते हैं, इसलिए गाली हो गई राजनीतिक कि इनके विचारधारा कोई नहीं। अगर आपके विचारधारा होती तो आप उस विचारधारा के लिए लड़ते, लेकिन आप किस लिए लड़ते हैं? मुझे टिकट नहीं मिला, हम फला पद पे नहीं गए, हमें विधायक नहीं बनाया गया, विधायक कहता मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री कहता मुझे और बहुत बड़ा पद नहीं दिया गया, ये विचारधारा या हमारे प्रतिनिधि बन के हमारे नेता न वहाँ सदन में गए जहाँ आप जाना चाहिए, जहाँ हमें भेजना चाहिए। वो कमियां समर संघ ने महसूस किया कि न हमारे नेता का दोस्त था, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे हमारे कर्मचारियों के हों, चाहे हमारे अधिकारियों के हों, चाहे हमारे ये राजनीतिज्ञ लोग हों, किसी की गलती नहीं है, गलती ये है इनको बनाने वाला कौन। बनाने के लिए जो पावर हमें मिली, जो शक्ति दी बाबा साहब ने, उस शक्ति को हमने एहसास नहीं किया और उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और आज दशा ये हुई कि हमने गलत हाथों में दे के एक काम जरूर किया, विधवा विलाप। विधवा विलाप वो होता है, बहने क्षमा करेंगी अगर किसी को, कि जो कोई भी उनसे एक बार कुशल क्षेम पूछ ले रोने लगती है, वो जिंदा नहीं होगा पति फिर भी विलाप करती है। तो वो विलाप हम करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन जब समय आता है कि अपने ताकत, अपने अधिकार, अपने उस जो हमें संविधान ने दिया है उस पर इस्तेमाल करें। आज मैं खुले राजनीतिक साथी हैं, उनको बुरा लगे मैं कह सकता हूं कि जो कल तक ये कहते हैं कि संविधान नहीं मानते, संविधान की प्रतियां जलाते हैं और चैलेंज करते हैं, उसके लिए भी हमारे बहुत समर साथी 137 लोग हाउस में बैठ के उसकी ताली बजाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि कैसे हमारे प्रतिनिधि हैं, कैसे हमारे लोग हैं, किन पर विश्वास करें। इसलिए आज हम भारत के लोगों ने यह तय किया है, निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, हम अपने कॉन्सेप्ट पर दृढ़ हैं कि हम एक होंगे, हम एक होंगे और हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। इसके बाद हमसे हमारा नेतृत्व है, हमसे राजनीतिक पार्टियां हैं, हमसे ही सामाजिक संगठन है, ये सब चलेंगे, चलाने वाले हम हैं, हम भारत के लोग हैं। जैसे 26 जनवरी को उन्होंने कहा कि गण, जब गण नहीं है, गणराज की परिकल्पना कहाँ से कर लेते हैं। मित्रों एक बात बताएं, कल 26 जनवरी के दिन मैं कैसे मंच पर आमंत्रित था अतिथि के रूप में, उसका नाम था सर्व समाज सेवा संस्थान। उसमें जो उनके मुखपत्र में बीच में फोटो लगी थी तथागत बुद्ध की थी, और उसके चारों तरफ कम से कम 2 दर्जन चित्र किसके थे, नारायण गुरु के थे, फुले के थे, साहू जी के थे, मानवर यहाँ तक कि मानवर कांसी नाम के भी थे। लेकिन उस कार्यक्रम में जब मैंने विधि पीपुल समर संघ की बात की, एकदम सन्नाटा छा गया, सन्नाटा, लोग सुनते रहे और तालियां बजाए, लेकिन जब उसका समापन हुआ, समापन के समय लोगों ने मेरे कांटेक्ट नंबर लिए, समर क्या है इसके बारे में बाकी बातें हुई, लेकिन जब समापन हुआ तो 2 अभिवादन किया गया, जय शिवाजी, जय साहू जी महाराज। इस कुल मिला के वो कुर्मी सम्मेलन से आगे नहीं था, लेकिन हमें एक आशा की ज्योत बनी कि अगर हम आज जो जुड़ रहे हैं, हम समर संघ के इस कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारे मित्र आज जुड़ रहे हैं, तो एक आदर्श बनेंगे। एक विचारधारा तो वहां है, एक विचारधारा वहां है जो साहू जी को मानती है, शिवाजी को मानती है, लेकिन वो विचारधारा कल अंबेडकर को मानेगी, समर संघ को मानेगी, बुद्ध को मानेगी, चूंकि उनके यहाँ एक सोच है। वो देरी किसकी है? वो देरी ये है कि जो हम कर रहे हैं इसको करके हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा कॉन्सेप्ट हमारे आचरण से बोलने लगेगा जिस दिन, जोड़ने के लिए
हमें अंतर क्या है? मैं बार बार निवेदन करता हूं अपने साथियों से, जिनको जोड़ता हूं उनसे कहता हूं कि ये समर संघ और संगठनों से अलग क्यों है? इसलिए अलग है कि वहां कहा जाता है, यहां किया जाता है, वहां केवल भाषण होते हैं, जहां कर्म किए जाते हैं। यहां एक फोन पर हमारा छत्तीसगढ़ बैठे हुए हमारे बच्चे की कोई मदद करने वाला वहां पहुंच जाता है। ये है समर संघ, ये है हमारी एकता कि आज किसी के जरूरत है, आज वहां दिल्ली में एम्स कोई एडमिट है, हम यहाँ लखनऊ से बैठे अगर हम फोन करेंगे, हमारे बहन भाई वहां हॉस्पिटल में उनकी सेवा करेंगे। ये एकता केवल हमारे सामाजिक धार्मिक राजनीतिक हमारे बहुत मित्र व्याकुल होते हैं कि हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, अरे हम वो करेंगे, अभी हमने महाराष्ट्र का जो उदाहरण दिया, हम वो सब करेंगे जो हमारे जीवन से सरोकार रखते हैं, वो सारे बिंदुओं पर हम काम करेंगे और जुड़ेंगे और जोड़ेंगे के साथ कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारे व्यवहार, हमारे बोल, हमारे आचरण, और इस रूप में हो कि लोग हमसे आकर्षित हों। सफलता के फूल ऐसे झोले में नहीं गिरते मित्रों, इसके लिए कर्म की साख हिलानी पड़ती। एक घोंसले को देख ले हम चिड़िया के, वो घोंसला एक से नहीं बना, एक तिनका तिनका उठाया, एक एक को जोड़ेंगे, एक एक को जोड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में किसी को जोड़ना, इसलिए कि इतिहास हमारे पास है नहीं, और जिस समाज के पास अपना इतिहास नहीं है, या इतिहास है तो उसे बताने वाले लोग कम हैं, या उसको जानने की जिज्ञासा रखने वाले। 80 के बाद की पीढ़ी कतई वो उस दुनिया में टहल रही है जो जिसको आप साइबर दुनिया कह लें, लेकिन उसको अपने इतिहास से न जानने की जिज्ञासा है न मानने की है। ये दायित्व तो ज्यादा जो साथी समर संघ में हमारी जो संख्या बढ़ती जा रही है, ये संख्या अपने आप ही एक दिन इस लाइन बनाएगी कि हम अपनी बात को कह पाएंगे, और फिर जैसे मैंने समाज भी उदाहरण दिया सर्व समाज पटेल संघ का, इस तरह से तमाम संघ जितने हमारे बटे हुए हैं, मौर संघ, साख संघ, पटेल संघ, निषाद संघ, वो सारे समर साथी जो है वो सब अपने आप जुड़ेंगे। मुझे हमें आपको फिर ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भैया अंकर महोदय समय बता दीजिए। तो मित्रों मैं ये की बात कर रहा था, उदाहरण की बात है कि जो जैसा होता है, आप अब गुफा में आवाज निकालें आपकी प्रतिध्वनि वापस आती है, तो ये हम करें कि हम हमारा ही प्रवचन, हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ना सुनाना बार बार कहना उतना प्रभावी नहीं होगा जिसको कि हम वर्चुअल, तो हमारी बाध्यता है, बहुत संख्या है इसलिए वर्चुअल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीटिंग, एक्चुअल मीटिंग वास्तविक जो धरातल पर संगतियां हमारी हो गई, उस संगति का जो असर होता है वो वास्तविक होता है, दिल में बैठ जाता है, उसमें बहुत कुछ समझने की बात होती है। मित्रों एक बार बतावे कि प्रचार और प्रसार, हम बार बार कहते हैं प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो, लेकिन बड़ा अंतर है, दोनों जमीन आसमान का अंतर है प्रचार और प्रसार। प्रचार उसे कहते हैं जो पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी करने के लिए सत्य होना जरूरी नहीं, सत्य होना जरूरी के लिए, लेकिन प्रसार करने के लिए सत्य ही कहा जाता है, तभी उसका प्रसार होता है, और प्रसारित करना सत्य बात को, सत्य को प्रसारित करना, हमने देखा है कि प्रचार के बलबूते सरकार जा रही है, लेकिन प्रसार, हमें प्रचार नहीं करना है, हमें प्रसार करना है, हमें सत्य का प्रचार करना है, सत्य का प्रसार करना है, और सत्य क्या है, वो हमारे महापुरुषों की वाणी है, उन वाणियों को, उनके उद्देश्यों को, उनके आदेशों को, उन पर जिया गया है, हमारे जो महापुरुष जिनको हम कहते हैं उन्होंने जिंदगी जी है, वो कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है कि किसी ने मन ग्रंथ लिख दिया जिसे आप विश्वास न करें, न उसका वैज्ञानिक कोई पहलू है, न सैद्धांतिक है, लेकिन उस पर बड़ी जल्दी हम मान लेते हैं चमत्कार के रूप में, लेकिन जिसने जिंदगी जी, बाबा साहब ने फुले जी ने, महापुरुष नारायण गुरु है, अभी देखे कितना विरोध हुआ है, और हमारे इतना अस्पष्ट डंके की चोट पर कहने वाले
हमारे रामास्वामी जी उनकी बातों पर हम सहसा क्यों नहीं अमल करते, क्यों नहीं विचार करते? इसका कारण यह है, चमत्कार हमारे दिमाग में भर दिया गया। हमारा इतिहास तो लूटा ही गया, लेकिन सूचना तंत्र आज एक मुट्ठी में बंद हो गया। जो हमें दिखाया जाता है हम देखते हैं, उसी में उलझते हैं। अब उसको निचले स्तर पर मैं कह दूं तो हमारे विद्वान साथी भी आजकल व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप खेलते हैं। एक ग्रुप एडमिन के रूप में मुझे केवल दो स्पोर्ट्स के ग्रुप चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, करते हुए भी झेलना पड़ता है। कट पेस्ट लोग बाज नहीं आ रहे। तो मित्रों, हमें सत्य के रास्ते में चलना है और हमारा कॉन्सेप्ट तब धरातल पर फैले और तेजी से फैलेगा। जो फैल रहा है हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साहित होने के साथ हम अपने कंसेप्ट से जुड़े रहें, अवधारणा से, अपने संकल्प से जुड़े रहें, अपने सिद्धांत से जुड़े रहें, तो हम आगे सफल होंगे। मैं और ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि इशारा नहीं आ रहा तो हम बोलते जाएंगे, ये उचित नहीं है, हमें और साथियों को भी सुनना है। तो अब मैं कोई भी शब्द गलत निकला हो तो उसको वापस के क्षमा याचना के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूँ। लेकिन ख्वाब देखते रहिए मित्रों, अब वो ख्वाब न देखिए जो फलने फूलने वाले नहीं है। अब ख्वाब आप खुली आंखों से देखिए, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ता है, रास्ता है तो हौसले हैं, हौसले हैं तो फासले भी होंगे, लेकिन फासले होंगे तो हमारी हौसले हैं और हौसले से हमें जीत मिलेगी, और जीत के बाद हम भारत के लोग एक सुख में जीवन जिएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami.
संगम शरण गच्छामि तत्रियं पि संगम शरण गच्छामि।